माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका मेरी तरफ से और मंडी की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ कि आपने आज पहली बार मुझे इस सभा में बोलने का, मंडी क्षेत्र के विषय में बोलने का मौका दिया। महोदय, हमारे मंडी क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी कला शैलियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो एक घर बनाने की कला शैली है जिसे काटकुनी कहा जाता है, वहाँ भेड़ और याक की ऊनों से जो है विभिन्न वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि जैकेट्स हो गए या टोपियाँ हो गई, शॉल या स्वेटर्स बनाने के जो काम है, जिनका बाहर के देशों में बहुत मूल्य मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे हिमाचल का जो संगीत है, खासकर जो स्पीति और किन्नौर या भरमौर के क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ट्राइबल उनकी जो कपड़े हो गए, उसके साथ में जो उनके फोक फॉर्म्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, वो भी विलुप्त होती जा रही हैं, तो उनके विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका मेरी तरफ से और मंडी की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ कि आपने आज पहली बार मुझे इस सभा में बोलने का, मंडी क्षेत्र के विषय में बोलने का मौका दिया। महोदय, हमारे मंडी क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी कला शैलियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो एक घर बनाने की कला शैली है जिसे काटकुनी कहा जाता है, वहाँ भेड़ और याक की ऊनों से जो है विभिन्न वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि जैकेट्स हो गए या टोपियाँ हो गई, शॉल या स्वेटर्स बनाने के जो काम है, जिनका बाहर के देशों में बहुत मूल्य मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे हिमाचल का जो संगीत है, खासकर जो स्पीति और किन्नौर या भरमौर के क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ट्राइबल उनकी जो कपड़े हो गए, उसके साथ में जो उनके फोक फॉर्म्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, वो भी विलुप्त होती जा रही हैं, तो उनके विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद।